नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और नहीं घटा ईएमआई का बोझ। जी हां, आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से लोगों को जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई और गवर्नर उर्जित पटेल ने लोगों को निराश किया है। क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा में ब्याज दरों में कम से कम 4.5% की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आरबीआई ने रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की है, कोई बदलाव नहीं किया है, बल्कि उल्टा जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.6% से घटाकर 7.1% किया है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के मुताबिक महंगाई दर में जो कमी आई है वो कुछ वक्त के लिए है और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होने के बाद अगले साल मार्च तक महंगाई दर में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की जिम्मेदारी बैंकों पर डाल दी है। उर्जित पटेल ने कहा कि आरबीआई अतिरिक्त सीआरआर को वापस लेगा, जिससे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी और बैंक इसका फायदा ब्याज दरों में कटौती के रूप में ग्राहकों को दे सकते हैं। आरबीआई की नजर अगले कुछ दिनों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर भी बनी हुई है, जिसके बाद ही रेट कट पर कोई फैसला होने की संभावना है। दिस अस्यूम्स क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन व्यू ऑफ द स्टिकीनेस इन इन्फ्लेशन excluding food and fuel, what we call core. The recent rising profile of international crude prices and the continuing firmness in the prices of some salient food items. Accordingly, the MPC was of the view that given the reduction of the policy rate of 25 basis points in October, which accumulated to a reduction of 175 basis points since January 2015, a further reduction in the policy rate is not warranted at this juncture. It may be recalled that an incremental CRR was applied on banks' increase in net demand and time liabilities between September 16 and November 11, as part of our liquidity management operations to manage the return of specified banknotes into the system as deposits. This was intended as a purely temporary measure to manage the transition from an exclusive reliance on LEF operations to a mix of instruments, including the MSS issuances. The government has proactively responded to the situation by enhancing the limit of MSS securities to 6 lakh crores or 6 trillion rupees. This has enabled the withdrawal of the incremental CRR with effect from the fortnight of December 10th. Banks will no longer have to bear the burden of the incremental CRR as they will be adequately compensated through the coupons on MSS securities. और मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया है। अनुराग, तो साफ है यहाँ पर लोगों के लिए डबल झटका कह सकते हैं। एक तरफ जो उम्मीद थी कि ईएमआई घटेगी, उसके ऊपर आरबीआई ने साफ किया कोई रेट कट नहीं, और जीडीपी ग्रोथ अनुमान और घटा दिया। जी बिल्कुल, आज की पॉलिसी के अंदर गवर्नर ने पूरी तरह से चौंकाया है, क्योंकि हर कोई मान के चल रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट का तो रेट कट होगा ही, लेकिन दरों के अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। और इसको लेके जो गवर्नर ने रैशनल दिया है, उसमें ये बताया कि जिस तरह से 175 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट हुआ है जनवरी 2015 से लेके, वो अभी तक पास ऑन नहीं हुआ। इसके अलावा क्रूड की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही है, उससे लेकर आगे चल के महंगाई पर प्रेशर बन सकता है। इसके अलावा ग्लोबल अनसर्टिनिटी काफ़ी है, और यूएस फेड की रेट टाइटनिंग के बाद जो अनसर्टिनिटी बढ़ेगी, उसका असर भारत के ऊपर पड़ सकता है। तो ये सारे पहलुओं को देखते हुए आज की पॉलिसी के अंदर किसी भी तरह का रेट कट का ऐलान नहीं किया गया। जी अनुराग, आप रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास फिर आऊँगा। लेकिन इस बीच डीमोनेटाइजेशन पर भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री आई है आरबीआई की तरफ से। सरकार के अनुमान से ज़्यादा 500 और 1000 के पुराने नोट बैंकों में जमा हो रहे हैं। पुराने नोट जमा करने की अंतिम तारीख में अभी 3 हफ्ते से ज़्यादा वक्त बाकी है, लेकिन अभी तक 11.5 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट बैंकों के पास वापस आ चुके हैं, जबकि इकोनॉमी में 500 और 1000 के करीब 14.5 लाख करोड़ रुपए के नोट बताए गए थे सरकार की तरफ से, यानी करीब 80% पुराने नोट बैंकों के पास लौट आए हैं, जो कि सरकार के अनुमान से काफी ज्यादा है। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। सरकार को उम्मीद थी कि करीब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए बैंकों में वापस नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अनुराग मेरे साथ है, तो अनुराग के पास हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं आरबीआई ने क्या कहा आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर, फिर जाते हैं अनुराग के पास।
The Reserve Bank and the central government run note presses are working to their full capacity and all efforts are being made to reach the notes to every part of the country. In fact, during this period, that is from 10th November 2016 to 5th December 2016, the Reserve Bank had supplied to the public banknotes of various denominations worth near about 4 lakh crores of rupees that have come back. It amounted to, as of now, 11 lakh crores, 11.85. तो अनुराग, यहाँ पर 11.5 लाख करोड़ से ज्यादा के नोट पुराने आ चुके हैं और सरकार को उम्मीद थी कि करीब करीब पूरे टाइम जो 50 दिन तक का समय दिया गया था सरकार की तरफ से, इसी के आसपास आएंगे और अभी 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बाकी है। यानी सरकार को जो अंदाजा था उससे कहीं ज्यादा पुराने नोट आ रहे हैं बैंकों के पास। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज डिप्टी गवर्नर ने बताया कि अभी तक 11.5 लाख करोड़ रुपए जो है पुराने नोट के रूप में आरबीआई के पास आ चुके हैं और अभी तक जो नए नोट दिए गए हैं उसका जो आंकड़ा है वो 4 लाख करोड़ का है और डीमोनेटाइजेशन के बाद करीबन 19 बिलियन जो नोट है वो छापे गए हैं, जिसमें 100 रुपये, 500 रुपये, 2000 के नोट, हर तरह के नोट है। तो रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि जो लिमिट है, जब उनसे ये सवाल किया गया, क्योंकि इतना बड़ा 80% नोट तो पुराने नोट वापस आ गए हैं, तो क्या जो 30 दिसंबर तक की मियाद है पुराने नोट को वापस देने की, उसको भी बदला जा सकता है। तो रिजर्व बैंक ने उसके अपने जवाब में यही कहा है कि वो पूरी स्थिति को देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि अब और संभावना नहीं है पुराने नोटों के आने की, तो इस ये जो मियाद है इसमें भी बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने आज साफ साफ कहा कि फिलहाल उनका कोई प्लान नहीं है 1000 रुपये के नए नोट छापने का, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें आ रही है, कई तरह की खबरें आ रही है कि 1000 रुपये का नोट भी आने वाला है। तो रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया कि फिलहाल 1000 रुपये का नोट का 1000 रुपये का नोट लाने का कोई प्लान नहीं है। और ये जब सवाल पूछा गया कि 2000 का नोट क्यों लाया गया है, तो रिजर्व बैंक की तरफ से जवाब था कि ये फैसला इस चीज को देखकर किया गया है कि ट्रांजेक्शन किस तरह से होते हैं, बड़े नोट के ट्रांजेक्शन किस तरह से होते हैं और लोगों के ट्रांजेक्शन हैबिट्स को देखते हुए, लेन देन के व्यवहार को देखते हुए 2000 का नोट लाया गया है। ठीक है अनुराग, आप रहिए, अनुराग आप रहिए मेरे साथ, तो आप रहिए, आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे, आप रहिए मेरे साथ। उधर आरबीआई ने बैंकों में लग रही लंबी लाइन और कैश की किल्लत के लिए नई करेंसी की होर्डिंग पर भी लोगों पर ठीक फोड़ा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर आर गांधी के मुताबिक बैंकों को पर्याप्त रकम मुहैया कराई जा रही है। अब तक आरबीआई करीब 4 लाख करोड़ रुपए की अलग अलग डिनोमिनेशंस में नई करेंसी भी जारी कर चुका है, लेकिन लोग नई करेंसी खर्च करने की बजाय उसकी होर्डिंग कर रहे हैं, उससे नई करेंसी सर्कुलर में नहीं आ पा रही है। आरबीआई ने यह भी कहा कि नए नोट पूरी क्षमता के साथ छापे जा रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस पूरी क्षमता पर काम कर रही है, हालात पर पूरी नजर रखी जा रही है और कैश विड्रॉल की लिमिट के बारे में हालात के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बाकी है और मेरे साथ इस पुराने नोट जमा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त सुनील कनौरिया हैं, एसोचैम के प्रेसिडेंट। मिस्टर कनौरिया, स्वागत है आपका। आरबीआई ने आज काफी अहम बातें कही हैं अपनी क्रेडिट पॉलिसी में। आपका पहला रिएक्शन, कोई रेट कट नहीं है और जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाया गया है। बेसिकली ये थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्टेड था, रेट कट हम लोग सोच रहे थे कि 0.25 हो जानी चाहिए, लेकिन इन्होंने रेट घटाया नहीं। मैं समझता हूँ कि जो आज ग्लोबल हालात हैं, स्पेशली अमेरिका की जो इंटरेस्ट रेट्स और यील्ड्स इम्प्रूव हुई है और यहाँ से जो भी डॉलर निकलने लगी और रुपी वीक हुई, उसके कारण से उन्होंने इंटरेस्ट रेट को अभी मुनासिब नहीं समझा रिड्यूस करने के लिए। और मोर पर्टिकुलरली मेन है कि इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन जो है बैंकिंग सिस्टम से, वो होना जरूरी है इंडस्ट्री को, वो उस पर फोकस करें तो इंटरेस्ट रेट अगर रिपो रेट चेंज नहीं भी करती है तो उससे इंडस्ट्री को फायदा हो जाएगा। तो मेन बात रहेगी कि बैंकिंग सिस्टम कैसे रिएक्ट करती है लिक्विडिटी पॉजिटिव होने से, ताकि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करें। मतलब आपके हिसाब से सुनील कनौरिया साहब, कि विदाउट सेइंग आरबीआई ने कहा है कि बैंकों के पास क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ गई है और 10 तारीख के बाद सीआरआर भी वापस ले लेंगे बड़ी हुई, तो अब बैंकों को ये रेट, क्योंकि इससे पहले ही अराउंड 2% का रेट कट 2015 जनवरी के बाद से हमने देखा है, वो बैंक पास ऑन करें। अब सही बात है, वो जरूरी है और उसके कारण से मेन और भी है कि बैंकिंग की जो कॉस्ट ऑफ रिस्क है, जो एनपीएस है, वो कम होगी तो कॉस्ट ऑफ रिस्क कम होगा तो ट्रांसमिशन भी बेटर होगा। तो प्रोजेक्ट्स जो अटके हुए हैं उसे रिवाइव करना, उसे इकोनॉमी में ग्रोथ लाना ज्यादा जरूरी है।
और जबकि अभी ये डिमोनेटाइजेशन से जीडीपी ग्रोथ में भी इम्पैक्ट आएगा, तो 2-3 क्वार्टर और भी चैलेंजेस रहेंगी। आरबीआई ने कहा है 7.1% एक्सपेक्टेड है, मैं समझता कि हो सकती है इससे नीचे भी हो, बिकॉज ग्राउंड लेवल में काफी चैलेंजेस हैं और एसएमई बिजनेसेस को बहुत बड़ी लागत लगी है। हालांकि हो सकता है कि 2-3-6 महीने में ये इम्प्रूव हो जाए, बट आज के दिन तो चैलेंजेस है काफी। महंगाई को लेकर भी काफी हॉकिस दिखे नए गवर्नर उर्जित पटेल, और उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल 4% के आसपास दिखती है, 1-2% ऊपर नीचे, और मार्च तक महंगाई थोड़ी सी हो सकता है बढ़े, लेकिन विद इन लिमिट अभी भी है। तो आपको लगता है कि जो नए गवर्नर है वो भी कहीं ना कहीं पुरानी लाइन पर चलते हुए और महंगाई को लेकर काफी हॉकिस, और फेड के ऊपर भी नजर बनी हुई है? बेसिकली फेड पर है, लेकिन महंगाई पर मैं समझता हूँ कि इंडिया में भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है, उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, नए नोट और जो इस वक्त सर कहा गया पुराने नोट के ऊपर आरबीआई की तरफ से कि 11.5 लाख करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी जो कि लीगल टेंडर जिसका कैंसिल है वो बैंकों के पास अभी भी आ गया है, और जो सरकार का अनुमान है उससे 80% तो करीब सरकार के पास बैंकों के पास अभी आ ही गया है, तो आपको लगता है कि जो अनुमान था सरकार का उससे कहीं ज्यादा पुराने नोट आ जाएंगे बैंकों के पास? हाँ, वही लगता है कि जो अनुमान उससे ज्यादा आ जाएगी। और इसके अलावा 4 लाख करोड़ के करीब नई करेंसी सर जारी की गई है, और आरबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि सर्कुलेशन में नई करेंसी अभी बहुत आ नहीं पाई है, नए नोट लोग खर्च नहीं कर रहे, इस पर क्या कहेंगे आप? वो है थोड़ी बहुत, बिकॉज लोग समझते हैं कि पैसे मिलेगी कि नहीं कल और क्या रिस्ट्रिक्शन आएगी, तो एक डर बैठा हुआ है लोगों में कि करेंसी कल नहीं मिलेगी तो कल हमारा कैसे चलेगा। तो बहुत जरूरी है कि जो भी लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, उसे जितना जल्दी उठा सके आरबीआई और गवर्नमेंट, वो बहुत जरूरी है, नॉर्मलसी लाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच मिस्टर कनौरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुनील कनौरिया जो कि कह रहे थे कि एक एक्सपेक्टेड लग रहा था कि कहीं ना कहीं रेट कट ना हो, लेकिन फिर भी रेट कट की बहुत उम्मीदें लोगों ने लगा रखी थी जो नहीं मिला आरबीआई की तरफ से। फिलहाल नोटबंदी के बाद कई बैंकों में पुराने नोट जमा करवाने की होड़ मच गई जिस पर सरकार की पूरी नजर है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऐसे बैंकों में जांच शुरू कर दी है। देश भर में 10 बैंकों की 50 ब्रांच के रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है। इन ब्रांचों में नोट बैन के बाद सबसे ज्यादा नोट जमा हुए हैं। फेमा और पीएमएलए के उल्लंघन के मामले की भी ईडी जांच करेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सभी बैंकों को रूटीन जारी रखने को कहा है जिससे कि बैंक आने वाले कस्टमर्स को किसी तरह की तकलीफ ना हो। उधर ईडी ने अहमदाबाद में 3 PSU बैंक में जांच की है। तीनों बैंकों में अवैध तरीके से नए नोट देने की आशंका है। उधर आय से ज्यादा के 400 मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। संतोष मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 50 शाखाओं की जांच कर रहा है 10 बैंकों की, बताइए और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो जानकारी निकल कर आ रही थी उसके मुताबिक कुछ बैंक में खासकर जिस तरीके से पुराने नोट बदले जा रहे थे वो संदेहास्पद थे, उनके ट्रांजेक्शन्स के ऊपर नज़र थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। तो उसी को देखते हुए जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज लगभग 50 ब्रांचेज में, जो कि 10 बैंक हैं पीएसयू बैंक हैं, उनके 50 ब्रांचेज में उनके रिकॉर्ड को चेक कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इतने ज़्यादा जो पुराने नोट्स का एक्सचेंज यहाँ हुआ है, जमा हुआ है बैंक में, वो किस आधार पे हुआ है, क्या वो वाकई सही है या फिर उसमें पीएमएलए या फिर फेमा के तहत उल्लंघन है, फेमा का मामला बनता है। तो ऐसे में अगर फेमा का मामला बनता है तो उन ट्रांजैक्शंस पे उन खाताधारकों के ऊपर कार्रवाई शुरू करेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। लेकिन साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक अच्छी चीज़ ये करी है कि रूटीन के कामकाज में, क्योंकि लोगों की लाइन काफ़ी अभी भी है बैंकों में, तो वो प्रभावित ना हो, लोगों के रोज़मर्रा के कामकाज प्रभावित ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। साथ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का मामला बनता है, तो इसलिए ऑडिटर भी बैंकों के साथ रखे हैं। शुक्रिया संतोष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। साइरस मिस्त्री के आरोपों के बाद अब एयर एशिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने फेमा के तहत केस दर्ज करके एयर एशिया इंडिया के अधिकारियों को समन भेजा है। जी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एयर एशिया के अधिकारियों को 15 दिन के अंदर ईडी के दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा गया है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने अपनी चिट्ठी में एयर एशिया में गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे। मिस्त्री के आरोपों के मुताबिक बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मामले की ईडी से जांच की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक एयर एशिया इंडिया के फॉरेंसिक ऑडिट में इस बात का खुलासा हुआ था कि कंपनी ने 22 करोड़ रुपए की रकम सिंगापुर भेजी। सिंगापुर की एक कंपनी को कंसल्टेंसी फीस के तौर पर यह रकम दी गई, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कॉन्ट्रैक्ट फॉरेंसिक ऑडिट में नहीं मिला।
उधर सरकार ने बचे हुए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए संसद से दूसरी बार 35,172 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की मंजूरी मांगी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहा कि रकम फसल बीमा योजना, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, दालों के इंपोर्ट पर खर्च होगी। इस रकम का इस्तेमाल स्मार्ट सिटी और अमृत स्कीम के साथ साथ सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन और सैलरी देने में भी होगा। Supplementary demands for grants, General 2016-17. Mr. Chairman, I rise today on the table a statement in English and Hindi showing the supplementary demands for grant, General 2016-17.